हे जासिम, कैसे हो? हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे दिए हुए नोट से स्टडी कर रही थी। गुड, मैं भी उनमें से स्टडी कर रहा हूँ। और बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे जासिम, आज अम्मी मेरी शादी की बात कर रही थी। क्या शादी? मगर किससे? किसी से नहीं बाबा, दरअसल अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर? डर किस बात का? मोहब्बत में सबसे बड़ा डर बिछड़ जाने का ही होता है हमेशा। और तुम अपनी अम्मी को बता दो ना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म होते हैं तुम उन्हें हमारे घर ले आओ। वैसे मिस्टर जासिम, क्या आपने अपने अब्बू से बात की है? मेरे अब्बा की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, मैं जो चाहूंगा वो वही करेंगे। एक्चुअली मेरे अब्बा वो पुरानी रवायत जिसमें अपनी औलाद पर अपने फैसले थोपे जाते हैं उनके बिल्कुल खिलाफ। उनकी तरफ से तो इश्क विश्क खुली इजाजत है। मेरे अब्बा एक्चुअली बहुत जॉली हैं, तो हर वक्त हंसाते रहते हैं। ठीक है, तुम पढ़ो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, किसी दिन मुलाकात करते हैं। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। फरजान, क्या हो गया? आज आप बहुत खामोश है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, कुछ तो जरूर है। आज से पहले मैंने इतना उदास आपको कभी नहीं देखा। वो कुछ ऐसी बात नहीं है समीना। एक तरफ अगर रमा की खुशी मिली है तो दूसरी तरफ एक उदासी सी भी छा गई है। उदासी? कैसी उदासी? जब इस घर से शादी करके रुखसत होगी तो ये घर तो खाली हो जाएगा। हाँ, ये तो है। कैसे जिएंगे हम? किस तरह रहेंगे रमा के पास? लेकिन क्या करें, बेटियों को तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता। हाँ, ये भी है।